कि लड़के को पहले सेमेस्टर में प्यार हुआ किसी से, ठीक है, और प्यार कह रहा हूँ या लाइकिंगनेस या जो भी आपके, और वो सिंसेयर था, उसे इतना एहसास था कि यार नहीं, बातचीत करना और ये चीज़ें करना ये हराम के ज़ुमरे में आती हैं, मैंने अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना। वो जनाब उम्रे पे जाता है, ठीक है, और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारा कोई सिलसिला बना दे, ठीक है। और 6 महीने तक आपस में उन लड़के लड़की ने बात नहीं की, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ ही वो करते रहे कि किसी तरह हमारा हो जाए, और अच्छा इवेंचुअली उनका निकाह 7th सेमेस्टर में हुआ, अच्छा और अच्छा जब वो पास आउट हुए तो वो दे गॉट हैप्पीली मैरिड। तो मैं तो इस चीज़ का तोहा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब आप अल्लाह ताला की हदूद का ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसमें शायद थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, आप गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करता है। और मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो लड़की आपको दे देगा, मदद इस हवाले से भी है कि अगर वो लड़की आपके लिए बेहतर नहीं है आखिरत के हवाले से, तो उसको आपसे दूर कर देगा और बेहतर इंसान दे देगा आपको।